फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माय मेंटर। आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीयूईटी में आपका वेक्टर एलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जरूर जाए और जो हमारे ये हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि इन्हीं में से कोई आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो बोर्ड का भी क्वेश्चन आपका इसमें से लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपको जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या मतलब कि शॉर्ट नोट्स, पूरा आपका शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर होगा, उसमें आपका लगभग कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सीयूईटी में। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया है, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 1i, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1i, 1i प्लस 0k और प्लस 2k, प्लस ये 0j होगा प्लस 2k। बस देखिए क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर निकालना ये आपको दिया हुआ है, तो बस इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई प्लस 2 के, आंसर डी आ गया आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है हमारा द मॉड्यूलस ऑफ 7i - 2j प्लस k। ठीक है, तो मॉड्यूलस जब भी आपको निकालना बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, बस करना क्या है, ए क्या, ए कहां से आएगा हमारा, जो आई वाला रहे, ये जो आई के साथ हो वो ए रहता है, बी कौन सा आएगा जो जे के साथ है। ठीक है ना, ये आपको एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे, ठीक है ना, आई के साथ हो ए है, जे के साथ हो बी है, के साथ हो सी है। ठीक है, तो बस आई जे के साथ क्या क्या है बस लिख दीजिए, तो बस ये क्या आपको स्क्वायर रूट वाला टर्म तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो बस तो 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, सी मतलब 1 का होल स्क्वायर। देखिए आपका ये सॉल्व करके आपका √54 आएगा, सॉल्व करिएगा तो आपका √54 आएगा। ठीक है, देखिए √54 तो हमारा आंसर में नहीं है, तो देखिए आप आंसर लाना है, आंसर मैच करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बस कुछ नहीं करना, आपको रूट के अंदर वाले टर्म को एक बार सॉल्व करके देखना है। तो रूट अंदर वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 9, 6 = 54, तो 9 × 6 आ गया, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो 3√6 आ गया आंसर, आपका आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, तो बस यही करना था आंसर। देखिए अगर आपका 50 √54 तक ले आया है लेकिन आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ और अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप आंसर ऐसा मत सोचिए कि आपका गलत आ गया, तो कुछ और करके आपका आंसर देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो बस इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 देन, ए डॉट बी का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है आपका मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, और हमारा क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, a डॉट बी 0 दिया है, तो a डॉट बी 0 कब कब हो सकता है, या तो a 0 हो b 0 हो या तो फिर cos थीटा 0। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है जब ये a डॉट बी 0 हो सकता है। तो देखिए cos थीटा कब 0 हो सकता है ये बताइए, तो देखिए जो cos थीटा है ना, इसमें जो थीटा है वो एंगल क्या बताता है, a और b के बीच का एंगल बताता है। जैसे कि ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री है, ये a है हमारा, ये b है,
इसके बीच के एंगल बताता है ये थीटा, ए और बी के बीच का एंगल ये थीटा बताता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन एक बार देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी होगा तो कॉस 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉस 90 क्या हो जाता है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो जीरो, अगर देखिए कॉस 90 जीरो तो मतलब ये जीरो, तो टोटल टर्म जीरो, तो ए डॉट बी आपका क्या आ गया, जीरो। तो मतलब पहला ही आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको चेक करके बता देते हैं। देखिए ए इज पैरेलल टू बी, तो अगर ए इज पैरेलल टू बी है, ठीक है, ए इज पैरेलल टू बी है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा, दोनों साथ में भी हो सकता है। देखिए ऐसे दोनों साथ में भी हो जाएगा, इसके ऊपर एक कोइंसिडेंस हो गया, और ए इज पैरेलल टू बी, तो ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री हो गया। तो जीरो डिग्री हो गया तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो मतलब उस कंडीशन में तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी पे फिर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट, तो कॉस थीटा क्या बताता है, ए और बी के बीच में एंगल बताता है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन से। और ये फॉर्मूला ए डॉट बी क्या होता है, ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के क्रॉस जे। तो ये क्वेश्चन में आपका एक ट्रिक लगता है, वो आपको याद होगा अगर तो क्लास में बताया होगा तो। ये आपका साइकिल आपको याद रखने बोला होगा, अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो। देखिए ये साइकिल आपको याद रखने बोला होगा, इसमें क्या होता है, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा हमारा, ठीक है। आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा हमारा, के। आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, ठीक है। तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, के क्रॉस, देखिए के क्रॉस आई करेंगे तो उसके बाद वाला टर्म आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो जी आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा गए, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। अगर उल्टा जाएगा तो माइनस आएगा, सीधा जाएगा तो प्लस आएगा, ठीक है। तो उल्टा गए तो क्या आया, के क्रॉस जे किए तो क्या आया, माइनस आई आया, ठीक है। आपका पूछा क्या है इसमें, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस आई, ठीक है। तो बस इसी तरह के आसान क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डॉट ए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस ये क्वेश्चन में करना क्या था, ए डॉट ए, ए डॉट ए कैसे होता है, ए डॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए डॉट क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ए और ए दोनों तो सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर एंगल जीरो डिग्री हो गया तो मॉड ए और मॉड ए तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। आपका आंसर क्या आ जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर। आपका आंसर कौन सा आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1-5 डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 6-10 डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन देखें, ताकि आपको एक एक फॉर्मूला का रिविजन हो, एक एक क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगता है ये देखें, ठीक है। तो बने रहे फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।